अरे अजय भाई, तुम्हें गूगल कीबोर्ड की ट्रिक पता है क्या? कौन सी? देखो, जैसे हमने कुछ भी मैसेज तुम्हें टाइप करा तो उसके बाद जैसे हम इस पे लॉन्ग प्रेस रखेंगे और इस पे कैपिटल बनाने वाले पे टैप कर देंगे तो सारे वर्ड्स अपने आप कैपिटल में हो जाएंगे। ये तो बहुत ही बढ़िया। एक और बताता हूँ, जैसे मैंने कोई मैसेज बीच में टाइप करा और मुझे यहाँ पे कुछ रह गया है तो जैसे मैं इस पे टाइप करूंगा तो दिक्कत होती है वहाँ पर रखने में, तो मैं दोनों अपने स्पेस से ना इसको मूव कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लाया और मुझे यहाँ पर बीच में कोई लेटर टाइप करना था, मैंने लेटर टाइप करके फिर इसको एंड में लेकर के कर दिया, है ना? बढ़िया। ये तो बहुत ही बढ़िया यार। सच सच बताना, तुम्हें ट्रिक पता थी? नहीं, ये ट्रिक तो नहीं पता थी, लेकिन ये बहुत बढ़िया। ऐसी और टिप्स और ट्रिक्स के गौरव अपना एक बार मेल खोल कर देना। लो ये बाकी ऐप्स क्यों नहीं खोल रहे तुम्हारे? तुम्हें बाकी ऐप्स का करना क्या है? तुमने तो मेल खोल के मांगा था। मुझे गैलरी देखनी थी, इसीलिए तो मैंने ऐसे करके दिया ताकि तुम कुछ और ना खोल पाओ। अरे ये कैसे किया तुमने? देखो कैसे करते हैं, तुम्हें भी सिखाता हूँ। सबसे पहले तुम्हें जाना है फोन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद सर्च में कर लेना पिनिंग, ऐप पिनिंग आपको सामने दिखाई देगा और कर देना ऐप पिनिंग ऑन। उसके बाद कोई भी ऐप जो आपको खोल के देनी है उसको खोलना और इस पर करना टैप और तीन डॉट पर सर्च करके आप कर देना पिन और करना गो इट। इसके बाद कोई भी अदर पर्सन इसको बैक नहीं कर पाएगा, ना ही कोई दूसरी ऐप खोल पाएगा, है ना? गौरव, क्या ऐसा भी कोई तरीका है क्या अगर हम किसी की कॉल रिकॉर्ड करें और उसके पास मैसेज भी ना जाए कॉल रिकॉर्डिंग का? हाँ है ना। देखो सबसे पहले जाना है तुम्हें अपने डायलर पर, ऊपर तीन डॉट पर करना है टैप और जाना है सेटिंग पर। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें कॉल रिकॉर्डिंग दिखाई देगा। उसके बाद थोड़ा और नीचे जाओगे तो ये लिखा है ना, प्ले ऑडियो टोन इंस्टेड ऑफ डिस्क्लेमर। इसे ऑन करने के बाद जब भी आप कॉल रिकॉर्डिंग करोगे तो सिर्फ एक बीप बजेगी, ना कि पूरा मैसेज बजेगा। और ये डन यार, ये बड़ा सही तरीका है। व्हाट्सएप तो आप सब लोग चलाते ही होंगे, तो मैं व्हाट्सएप की ऐसी दो ट्रिक बताता हूँ जो आपको बहुत काम आने वाली है। पहले वाली तो आपको बिल्कुल नहीं पता होगी। सबसे पहले आपको खोलना है व्हाट्सएप और खोलनी है कोई भी चैट। जैसे पहले मैं ये अपनी चैट खोल लेता हूँ। जैसे मैं लिस्ट बनाने के लिस्ट ऑफ पैकिंग आइटम्स फॉर ट्रिप, तो उसके बाद क्या करना है, हमें नीचे जाना है और वन डॉट और एक मार देना स्पेस। इसके बाद जैसे होगी शर्ट्स, अब तो उसके बाद होगी पैंट, तो ये काउंटर अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। अब इसका मैं आपको दूसरा हैक बताता हूँ। इसका व्हाट्सअप का दूसरा हैक है, मान लो हमें क्रोम से कोई इमेज व्हाट्सअप पर भेजनी होती है, वो इमेज सर्च करनी है, उसके बाद उस पर लॉन्ग टैप रखना है, कॉपी इमेज करनी है और खोलना है अपना व्हाट्सअप जहाँ पर हमें इसको भेजना है। और यहाँ पे देखो ये पेस्ट का ऑप्शन आ गया, जैसे हम इस पर पेस्ट करेंगे तो इस इमेज को हम ऐसे भेज सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी? गौरव, कोई ऐसा तरीका है जिससे पता चले आपका फ़ोन सिक्योर है या नहीं? हाँ है, बिल्कुल है। देखो सबसे पहले खोलना है आपको प्ले स्टोर, उसके बाद प्रोफाइल आइकन पर टैप करना है, थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा प्ले प्रोटेक्ट, और इस प्ले प्रोटेक्ट को टर्न ऑन कर देना है। फिर इसमें आपके फ़ोन की सारी ऐप को स्कैन करके आपको बता देगा कि आपका फ़ोन सिक्योर है कि नहीं, जैसे कि मेरा फ़ोन पूरी तरह से सिक्योर है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका था। और टिप्स और ट्रिक्स के लिए? अरे यार गौरव सुनना, मेरा फोन अभी ना हिमांशु ने लिया था। अच्छा। और अभी मैंने देखा तो सब कुछ हटा हुआ है, तो उसने क्या यूज किया पता चल सकता है? हाँ चल सकता है। कैसे? देखो दिखाता हूँ। सबसे पहले तुम्हें अपना डायलर खोलना है और डायल करना है *#*#4636#*#*#। उसके बाद तुम्हारे सामने सेकंड नंबर पर यूजेज स्टेटिस्टिक दिखाएगी, वो ये सब नीचे चीज़ें दिख जाएंगी जो जो आपने चलाई है। इसमें आपको ऐप का नाम, टाइमिंग और वो सब चीज़ दिख जाएगी और ये सब चीज़ें उसने चलाई है आपके। अभी तुम्हें इंस्टाग्राम की दो ट्रिक पता है? नहीं भाई बता। देखो अगर तुमने इंस्टाग्राम खोला, खोलने के बाद तुम करोगे अपनी प्रोफाइल पर टैप, उसके बाद मोर ऑप्शन पर जाओगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा डाटा यूजेज एंड मीडिया क्वालिटी। और फिर अगर तुम इसे अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी ऑन कर दोगे तो फिर जितनी भी तुम फोटो और वीडियो अपलोड करोगे इंस्टाग्राम पे, रील पे या पोस्ट पे, वो हाईएस्ट क्वालिटी में अपलोड होगी, ठीक है? और दूसरी बताता हूँ, उसके बाद दोबारा अपना इंस्टाग्राम खोलोगे, प्रोफाइल पर टैप करोगे, फिर मोर ऑप्शन पर जाओगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा योर एक्टिविटी, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो दिखेगा लिंक हिस्ट्री। यहाँ वो सारे लिंक आ जाएंगे जिससे तुम इंस्टाग्राम से डाइवर्ट होके गए हो। कई बार ऐसा होता है ना, तुम कोई लिंक खोल लेते हो, कई बार बैक हो जाता है और पता नहीं चलता कौन सा लिंक है, तो ये सारे लिंक यहाँ पर आ जाएंगे। अब सच सच बताओ तुम्हें पता थी तुम ट्रिक? नहीं भाई यार, क्या हो रहा है, किस बात की टेंशन है? टेंशन तो है, अब भी मेरी 8 घंटे की फ़्लाइट है शाम की। हाँ। और बॉस ने नए नए टास्क ऐड कर दिए ग्रुप में। ओहो, और फ्लाइट में तो नेट कैसे चल सकता है, इतना तो उन्हें भी पता होना चाहिए। एयरप्लेन मोड पे चलता तो है। कहाँ चलता है नेट? चला के दिखा दिया, आज का खाना खिलाएगा तो। ऐसे कैसे चल जाएगा? बिल्कुल ये ले देख, दिखाओ। सबसे पहले तो अपना डायलर खोलना है, यहाँ पे दो बार *#4636, फिर दो बार हैश डायल करना है और कॉल लगा देना है। अगर ये मैसेज आए तो इसके बाद में आपका काम यहाँ से नहीं बनने वाला, तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर आना है और प्ले स्टोर पर आके फोर्स LTE सर्च करना है। अब फोर्स LTE ऐप जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसको यहाँ से ओपन करेंगे, तो इसके बाद में
अब आपने आना है फ्लाइट मोड पे, अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल देना है, और एयरप्लेन मोड पे डाल के एंड्रॉयड 11 प्लस वाला मेथड, क्योंकि ये फ़ोन एंड्रॉयड 11 से ज़्यादा एडवांस्ड है, नीचे आना है और मोबाइल रेडियो पावर ऑन कर देना है। और यहाँ सब स्पीड टेस्ट रन करेंगे। आपने ऑफिस में अपने दोस्त को बस बोला ही था कि आज मेरा पिज्जा खाने का मन कर रहा है, और आपके फोन पे एकदम से पिज्जा के एड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये कैसे हो रहा है और इसे कैसे बंद करना है, 10 सेकंड में आपको समझाते हैं। इस पूरी ट्रैकिंग के लिए गूगल जिम्मेदार है, तो आपको कुछ नहीं करना, अपने फोन की सेटिंग्स में आना है, सबसे नीचे आके अकाउंट्स के अंदर आना है, यहाँ से अपने गूगल अकाउंट के ऊपर टैप करना है, दोबारा गूगल अकाउंट टैप करना है, और आपके डैशबोर्ड में आके डेटा एंड प्राइवेसी पे आ जाना है। यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो वेब एंड लाइव एक्टिविटी आपकी टैप हो रखी है, इसे जब आप ऑन करेंगे देखेंगे यहाँ पे, तो नीचे वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी ऑन है। इसका मतलब आप जो भी बातें बोल रहे हैं, किसी से कोई भी बात कर रहे हैं, 24 घंटे आपका फ़ोन इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है। इसे आपने यहाँ से ऑफ कर देना, और इसे ऑफ करते ही आपका फ़ोन आपके कुछ भी बोलने या सोचने पे आपको रिकमेंडेशन दिखाने बंद कर देगा। ऐसी और टिप्स के लिए टेक्लूसिव को फॉलो कर लेना है, और फिलहाल इन सेटिंग्स में अगर आप आ चुके हैं तो जितनी भी ट्रैकिंग वाली सेटिंग्स हैं उन सबको मैंने यहाँ पर फोकस करने के लिए टैप किया, और फोटो भी अपने आप खींच गई। लेकिन ये हुआ कैसे, जल्दी से बताता हूँ। आपके फ़ोन का कैमरा ओपन करके जब आप उसकी सेटिंग्स में आते हो, तो यहाँ से मोड सेटिंग्स में आ जाओ, और नीचे आके शटर का ऑप्शन ढूंढना। आप शटर का या क्लिक का ऑप्शन आप ढूंढेंगे, डिपेंडिंग ऑन द फोन ब्रांड, तो अलग अलग जगह पे होगा। यहाँ से टच, वॉइस और पाम, तीन एक्शंस है। टच ऑन करेंगे तो फ़ोन पे फोकस करते ही या कहीं भी टच करते ही फोटो क्लिक हो जाएगी। वॉइस ऑन करेंगे तो चीज़ बोलते ही फोटो क्लिक हो जाएगी, और अगर पाम ऑन करेंगे तो जैसे ही आप अपने फ़ोन को अपना पाम दिखाएंगे तो वो एक फ़ोटो क्लिक कर देगा। ट्रिक अगर काम की लगी हो तो इसे सेव कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और ऐसे और टिप्स के लिए टेक्लिसिव को फॉलो करना। ये भाई बोल रहा है कि हम WhatsApp पे डिलीटेड मैसेज नहीं पढ़ सकते, और मैं बोल रहा हूँ कि WhatsApp पे डिलीटेड मैसेज हम बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के पढ़ सकते हैं। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। चलो मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ एक। हाँ, ये मेरा फोन है जो कि मैं इसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। ये क्या मैंने मैसेज, अब मैं डिलीट करने वाला हूँ, और मैंने अभी तक ये मैसेज बिल्कुल नहीं देखा है, और ये कर दिया मैंने डिलीट फॉर एवरीवन। अब मैं बताता हूँ ये मैसेज हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग के अंदर। सेटिंग में जाने के बाद जाना हमें नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मोड सेटिंग दिखाई देगा, उसके बाद जाना है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, और दिख जाएगा कि मुझे वैभव जी ने टॉप सीक्रेट मैसेज करा है। टॉप सीक्रेट था ना, माना ही नहीं माना। इस कीबोर्ड सेटिंग से आपके दिमाग की बत्ती कुछ इस तरह जलने लगेगी। इसके लिए आपने सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आके सबसे नीचे आएंगे सिस्टम पे। सिस्टम में आप देखेंगे लैंग्वेज एंड इनपुट, यहाँ से फिर सबसे नीचे चले जाएंगे पर्सनल डिक्शनरी पे। इधर से फॉर ऑल लैंग्वेजेस सेलेक्ट करना है, और एक शॉर्टकट आपने ऐड कर देना है। मान लीजिए आपने किसी को अपने घर का पता बताना है, तो यहाँ पे एक बार पहले पूरा घर का पता लिखा, और यहाँ पे किसी ने आपसे पूछा कि पता बता, तो आपने यहाँ लिखा पता बता, और उसके बाद में इसको बैक कर देना ओके करके। इसके बाद आप किसी भी ऐप में कहीं पर भी आपने अगर अपना एड्रेस टाइप करना हो तो आपने सिर्फ टाइप करना पता बता, और यहाँ से पूरा पूरा एड्रेस आ जाएगा। सेम वे अगर किसी को थैंक यू बोलना है तो सिर्फ टी वाई टाइप किया और थैंक यू सो मच लिखा हुआ आ जाएगा। सेम वे अगर आपने किसी को टॉक टू यू लेटर बोलना हो तो टी टी वाई एल टाइप किया और टॉक टू यू लेटर पूरा का पूरा आ जाएगा। बेस शॉर्टकट रोज़ आपका टाइम बचाएगा, हम भी रोज़ आपका टाइम बचाते हैं। अरे गौरव, यार ये गूगल पे से 18 रुपए की हिस्ट्री डिलीट हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, बताना जरा। देखो सबसे पहले आपको खोलना है गूगल पे। गूगल पे खोलने के बाद आप डालोगे अपना पासवर्ड, उसके बाद जाना आपको कोने में आइकन पे टैप करना है। थोड़ा नीचे जाओगे आपको टैप करना है सेटिंग पे, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, उसके बाद डाटा एंड पर्सनलाइजेशन, उसके बाद करना है आपको टैप गूगल अकाउंट पे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको अपनी सारी पेमेंट हिस्ट्री दिख जाएगी, जो कि आप बारी बारी से क्लोज कर सकते हैं। तो ये हो गया हिस्ट्री डिलीट। ये तो सही गौरव भैया, अब क्या हो गया? एक बात है कि मतलब हमारा आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज हुआ है वो पता चल सकता है? अब बिल्कुल चल सकता है। देखो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम पर जाना है और सर्च करना है UIDAI की वेबसाइट को। तो वेबसाइट खुल जाएगी, जैसे उस पर आप टाइप करेंगे अपनी भाषा का करना है चयन। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको आधार सर्विसेज दिखाई देगा। आधार सर्विसेज पर टैप करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, उसका कर देना है आपको टैप। उसके बाद आप यहाँ से नीचे अपनी मोडलिटी सेलेक्ट करने के बाद डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ओल्ड डाल दिया तो मैं ओल्ड सेलेक्ट कर सकता हूँ। एंड की डेट या स्टार्ट डेट में सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी डाल दिया, मतलब अपने आप कोई भी डेट वगैरह डाल के आप अपनी ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। जैसे ये सब डिटेल्स मेरी यहाँ नीचे आ गई है जी, और ऐसे पता चल जाएगा आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ लगा हुआ है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। फिर तो ऐसी और टिप्स और ट्रिक्स। अजय भाई, नया फ़ोन बहुत बढ़िया है यार, कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया चल रहा है यार अभी तो। अच्छा, बढ़िया ही चलना चाहिए। और बताओ फीचर वीचर कुछ ट्राई करके देखे? बढ़िया, अभी तो लिया है यार नया। अच्छा, सही है सही है, बहुत बढ़िया भाई।
तुम बता डेवलपर ऑप्शन क्या होता है? नहीं यार इतना नहीं पता मेरे को। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी पता लग जाएगा थोड़ी सी देर। भाई ये क्या हो गया? अरे भाई तुम्हारे फ़ोन में कुछ हो गया यार, देखना। ओ भाई अब यार ये क्या कर दिया, अभी तो ख़रीदा था मैंने, तूने बिल्कुल ही ख़राब कर दिया यार इसे। जैसे ख़राब किए उसी स्टेप को रिवर्स करेंगे तो वापस ठीक भी हो जाएगा। आप लोग भी अपने दोस्तों को फ़ोन कर करो और हम लोगों को बाद में थैंक यू करना। यार गौरव ये फोटो बहुत अच्छा है, जरा मुझे व्हाट्सएप करना। अरे मेरे पास तो तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर है ही नहीं। तो लिख ले 9958। रुको तुम्हारा नंबर देखो ये सुन रहा है। अब आज तक आपने इस तरीके से नंबर लिया होगा, लेकिन दूसरे तरीके से नंबर लेना मैं आपको बताता हूँ। उस फोन का व्हाट्सएप खोलें जिसका नंबर आपको चाहिए, ऊपर करें टैप और नीचे जाएं सेटिंग्स पर और यहाँ पे आपको QR कोड दिख जाएगा। उसके बाद वो फोन लें जिसमें आपको ये नंबर चाहिए, उसका खोलें व्हाट्सएप और कोने में जाकर सेटिंग पे जाएं, ये बार कोड यहाँ पे खुल जाएगा और स्कैन कोड पे करने के बाद उस कोड पर स्कैन कर लें और यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा। फिर ऐड टू कॉन्टैक्ट करके आप उसको अपने कॉन्टैक्ट में सेव कर सकते हैं और ऐसे तुम्हारा नंबर मेरे व्हाट्सएप पर। यार इतनी सारी वीडियोस देख ली यार, सब पागल बना रहे, कोई तरीका है व्हाट्सएप पे कॉल रिकॉर्ड करने का? हाँ बिल्कुल है। मतलब? देखो तो सबसे पहले क्या कर लेना, आपको आपके फोन में ना ऊपर कहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आइकन दिखेगा तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर टैप करना लॉन्ग प्रेस से और यहाँ पे रिकॉर्ड सिस्टम साउंड को ऑन कर देना और रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड को ऑन कर देना, वो कर देना ओके। उसके बाद खोलना अपना व्हाट्सएप और जिसको भी तुम्हें कॉल मिलानी है उसके बाद करना कॉल और ऊपर से शटर डाउन करने के बाद अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देना ऑन। और जैसे तुम इस फोन पर बातचीत शुरू करोगे तो सारी बातचीत इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑन हो जाएगी और ऐसे तुम्हारी होगी व्हाट्सएप की वॉइस कॉल रिकॉर्ड। यार सही है। ऐसी और टेक टिप्स। गौरव सुनो, मैं वेबसाइट खोल रहा था और मैंने टच किया तो दूसरी वेबसाइट खुल गई। ऐसा कई बार होता होगा आपके साथ? हाँ। फोन देखा अब नहीं होगा। सबसे पहले क्रोम खोलना, मोर ऑप्शन पर करना टैप, नीचे आपको दिखेगी सेटिंग, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगी साइट सेटिंग, थोड़ा और फिर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेंगे पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट और यहाँ से आपका जो ऑप्शन ऑन हुआ है उसको कर देना ऑफ। इनके लिए तो हमने कर दिया, आप ये सब अपने लिए भी कर सकते हो और ऐसी और टेक्निक। शुभम क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। यार मोना मेरी ना गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा था और साइलेंट पे था मेरा फोन और मेरे से कॉल मिस हो गई, अब मेरी बैंड बजेगी। कोई नहीं टेंशन नहीं लो, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। देखो आईफोन में एक फीचर होता है, तुम्हें बस अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर निकालना है और इस एडिट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करके रिंगटोन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करने के बाद इमरजेंसी बाईपास इस टॉगल को ऑन कर देना है और बस अब जब भी फोन साइलेंट होगा तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के फोन आने पर रिंग बज जाएगी। यार ये तो बहुत अच्छा फीचर था यार, मैं तो बच जाऊंगा। बहुत काम का। अगर आपको भी ऐसे टिप्स चाहिए तो